Dear student of class 7th, I am starting you a new chapter, simple equations. अब इसमें देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि equation होती क्या है, simple equation का मतलब क्या होता है. Simple equation में हमारा एक variable होता है, variable होती है that can take any value. It can take value 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, any fraction. ठीक है, तो कोई भी value ले सकता है. तो x is a variable. एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, और बीच में होगा इक्वालिटी का साइन, इक्वल टू का साइन. ठीक है, तो सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, सिंपल इक्वेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, सिंपल इक्वेशन बोलते हैं इसको हम, इस टाइप की इक्वेशंस को. ठीक है, अब आगे आगे पढ़ा पता चलेगा कि अदर इक्वेशंस क्या होती है हमारी, जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाओगे आप. ठीक है, तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है और देयर मे बी, मतलब वेरिएबल एक एक्स ही होगा, लेकिन वो इस साइड और इस साइड दोनों साइड हो सकता है, और कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म्स होगी, जैसे थ्री है, ठीक है, जीरो है, तो दीज आर कांस्टेंट टर्म्स. अब एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और बीच में इक्वालिटी का साइन है. और सॉल्विंग द इक्वेशन मीन्स होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी एम, होगा एक ही. ठीक है, या तो x होगा या y होगा या m होगा या p होगा या t होगा, वट एवर इट बीट्स नेम, इसका नाम कुछ भी हो सकता है. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करना. अब 4.1 एक्सरसाइज में देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशन दे रखी है, उसके साथ वैल्यू दे रखी है, और पूछा गया वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी. कहने का मतलब है ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, दैट यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू टेल अबाउट कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. अब जैसे मेरे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है थ्री, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली एक्स प्लस थ्री, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, इसी में ही है ना मेरा वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल होगा उसी में ही वो वैल्यू मैंने पुट करके देखनी होगी, जिस साइड मेरा वेरिएबल होगा उस साइड मैंने वो वैल्यू पुट करके देखनी होगी. तो मेरी एक्स की वैल्यू थ्री दे रखी है इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू थ्री दे रखी है, तो एक्स की जगह मैंने थ्री पुट कर दिया, प्लस थ्री मेरे को पहले से ही दे रखा था, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दी, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है, लेकिन राइट हैंड साइड तो मेरा जीरो है, एस सिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. उस वैल्यू को पुट करने पर अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ना है, इट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए किया फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में है एक्स माइनस सेवन इक्वल टू वन, और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें एट. अब बताना ये एक्स इक्वल टू एट इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू एट पुट कर दिया, तो एट माइनस सेवन वन होता है, और मेरी राइट हैंड साइड में क्या है, वन है, तो वन इक्वल टू वन आ गया, इट मीन्स x इक्वल टू एट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू एट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है. नेक्स्ट मैंने किया आपके लिए एट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव. एफ एक्स का मतलब होता है फाइव मल्टीप्लाइड बाय x, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव के लिए मैंने इसको चेक करना है, तो मैंने एक्स इक्वल टू माइनस फाइव पुट किया, फाइव मल्टीप्लाइड एक्स मीन्स फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस फाइव मुझे चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट कर दी, तो प्लस माइनस का माइनस, फाइव फाइव का ट्वेंटी फाइव, और राइट हैंड साइड मेरी ट्वेंटी फाइव है, जबकि लेफ्ट हैंड मेरी माइनस ट्वेंटी फाइव आई है, तो बोथ आर नॉट इक्वल, माइनस ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव बोथ आर डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, तो नॉट सेटिस्फाइड इज आंसर, मीन्स x इक्वल टू माइनस फाइव इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन. उसके बाद किया मैंने आप लोगों के लिए इलेवन पार्ट, m बाय थ्री इक्वल टू टू, इसमें मुझे m की वैल्यू दे रखी है सिक्स, m की वैल्यू मुझे सिक्स दे रखी है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड m बाय थ्री में m की जगह मैंने सिक्स पुट कर दिया, तो सिक्स बाय थ्री बना थ्री टू द सिक्स, और राइट हैंड में मेरी टू है, लेफ्ट हैंड में मेरी m की वैल्यू पुट करने पर टू आ गई, both are equal, it means m equal to 6 is satisfying this equation. तो ये first question आपका complete हो गया, अब आगे देखो. अब आगे देखो.
या नहीं है। तो मैंने आपके लिए सेकंड का ई पार्ट कर दिया है। सेकंड के ई पार्ट में इक्वेशन दे रखी है आपको 4b-3=13, ठीक है। तो आपने ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, आपने चेक करना है कि वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर ले ली, ठीक है। अब मैंने b की वैल्यू -4 पुट कर दी, 4b मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय b, और b की जगह -4 पुट कर दिया, और -3 तो है ही सही, तो 4 का 16 प्लस माइनस का माइनस, -16 -3 बोथ नेगेटिव, एडिट कॉमन साइन नेगेटिव, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में मुझे पता है 13 है, -19 तो 13 के इक्वल होता नहीं है, सो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर ये वो वैल्यू देता जो यही होती, मतलब यहाँ पर भी अगर बाई चांस 13 आ जाता तो मैं कहती कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल सेम उसी वे में करनी है जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। एक इक्वेशन को हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने थर्ड का सेकेंड पार्ट कर दिया, दो ही पार्ट है इसमें, 3a-14=4। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें m की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाए, मतलब वो इसका सॉल्यूशन बन जाए। अब फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में तो वैल्यू दे रखी थी और चेक करना था कि सॉल्यूशन है या नहीं है, इसमें सॉल्यूशन निकालना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मैंने क्या किया, पहले m की वैल्यू 1 पुट कर दी, पुट m=1। तो 3m का मतलब होता है 3 × 1, 3m का होता है 3 × m हो गया, मैंने m की वैल्यू 1 पुट कर दी, -14। 3 × 3, 3 − 14 = −11, 1 पॉजिटिव अदर नेगेटिव सबट्रैक्ट साइन बिगर टर्म का नेगेटिव का। फिर ऐसे मैंने 2 पुट किया तो 3 × 2 = 6, 6 − 14 = −8, फिर 3 पुट किया 9 − 14 = −5, फिर 4 पुट किया। मैं तब तक करती रहूँगी जब तक कि मुझे 4 ना मिल जाए, ठीक है। 3 × 4 = 12 − 14 = −2, फिर 5 पुट किया 1 मिला, फिर 6 पुट किया 3 × 6 = 18, 18 − 14 = 4। अब मुझे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 6 ही मेरा आंसर है। आई बात समझ? तो पुट तब तक करते रहना जब तक कि राइट हैंड वाली वैल्यू ना मिल जाए, तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब n = 6 पुट करने पर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आने को इट मीन्स इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में एक स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। पहला पार्ट है सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर, सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर इज 9, इज मतलब इक्वल टू, सम ऑफ नंबर एक्स एंड फोर, सम के लिए सम कर दिया एक्स एंड फोर का, इज 9 मतलब इक्वल टू 9। अब देखो फोर्थ पार्ट भी मैंने किया आप लोगों के लिए, फोर्थ पार्ट है द नंबर बी डिवाइड्स 5 गिव 6 मतलब इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद देखो एट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इफ़ यू टेक अवे सिक्स फ्रॉम सिक्स टाइम्स फाइव मतलब सिक्स फाइव, टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करना, अगर तुम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो 6 × 5 में से तो आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, इक्वल टू 60, यू गेट 60 मतलब इक्वल टू 60। इफ 6 इज टेकन अवे फ्रॉम 6 × 5 यू गेट 60। और उसके अलावा मैंने 9th पार्ट भी कर दिया, इफ़ यू ऐड थ्री टू द 1/3 ऑफ z ऑफ मतलब पट्टी का है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब पट्टी का है, 1/3 ऑफ z यू गेट 30, तो तुम्हें 30 मिल जाए। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बना लेंगे बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स। अब उसके बाद देखो आप लोग फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वेशन बनानी है, द सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड फोर इज 9। सॉरी ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेटमेंट, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये फोर्थ क्वेश्चन का बिल्कुल
बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। उसमें क्या करना था आपको, फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी थी, इक्वेशन बनानी थी, फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है और स्टेटमेंट बनानी है, उल्टा है उसका। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे लिखोगे, इफ फोर इज एडेड टू पी यू गेट 15। अगर P में आप 4 ऐड करते हो तो 15 मिलता है, हिंदी में सोच लो। If 4 is added to P, you get 15। ऐसे ही मैंने आपके लिए एक और भी कर दिया है, ये है आपका इसमें मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन बना दिया है, आप और भी बना के दे सकते हो कोई भी। 3m equal to 15, 3 times m, 3 times m मतलब if 3 is multiplied to m, 3m का मतलब होता है 3 times m, 3 multiplied by m, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 times m gives 15। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट को बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है, उसका फर्स्ट पार्ट है आपका, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। इरफान ये कहता है कि मेरे पास परमिट के पास जितने मार्बल्स हैं उससे उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स ज्यादा है, ठीक है। तो लेट परमिट के पास m मार्बल्स है, लेट परमिट हैज m मार्बल्स, तो इरफान के पास कितने होंगे, 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज, ठीक है। 7 मोर देन के लिए 7 ऐड करना है, 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज, तो 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज। और आगे क्या दे रखा है कि इरफान के पास 37 मार्बल है, पहले तो ये बोला हुआ है, ठीक है, फिर ये भी बताया हुआ कि इरफान के पास 37 मार्बल है, इसका मतलब ये चीज आपके 37 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इरफान के मार्बल को शो कर रही है और ये भी इरफान के मार्बल को शो कर रही है, तो इससे आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो आपने इक्वेशन बनानी है। एक फोर्थ पार्ट मैंने और कर दिया इसी क्वेश्चन का, इस सिक्स क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और ये नीचे वाले दोनों बेस एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, ईदर बेस एंगल मतलब दोनों में से किसी एक का भी ट्वाइस है, क्योंकि दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस बोला हुआ है, तो अगर आप इनको बी बी कंसिडर करते हो तो इट विल बी 2b, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल और सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ये आपको पहले से ही पता है, तो 2b प्लस बी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2b प्लस 1b प्लस 1b तो 2b 3b 4b तो 4b इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप बताना है सिर्फ, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने बताई है, क्योंकि पेपर में जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं पूछा जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, x है तो x, y है तो y, t है तो t, p है तो p, ठीक है। अब जब भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ के कॉन्स्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड लेकर जाना है, x को अलग करना है और यहाँ की कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाना है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगी, और अगर इधर भी माइनस में है तो इधर जाके प्लस होगी, अगर यहाँ प्लस में होती तो यहाँ जाके माइनस हो जाती, एक साइड माइनस दूसरी साइड प्लस, एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस, तो x इक्वल टू ये माइनस वन उधर जाके क्या बन गया, प्लस वन। जीरो तो ऑलरेडी था, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पर उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जीरो प्लस वन इज वन, इट मीन्स x इक्वल टू वन इज द सोल्यूशन। मैंने फर्स्ट स्टेप की बजाय पूरा सम बता दिया है, पीछे आंसर पर ढूंढते रहना, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके भेजना है आपने मेरे पास। उसके बाद है इसी का एफ पार्ट, इसका एफ पार्ट क्या है आपका, इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट, कि y माइनस 4 इक्वल टू 4,
तो 4 ये था, इसी माइनस 4 उधर गया, वो भी प्लस 4 बन गया, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, तो y इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन। एक साइड नेगेटिव, दूसरी साइड पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। अब एक चीज और देखो, अब ये आपको एक दो पार्ट्स मैंने और किया हम लोगों के लिए, ये आपका सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का ही, नहीं सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है ये आपका। सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट क्या है, पी बाय 7 इक्वल टू 4, ये क्या आपका पी बाय 7 इक्वल टू 4। अगर एक साइड डिवाइड नहीं होगा तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो P की वैल्यू निकालनी है तो 7 को मुझे दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई मिलेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28, तो P इक्वल टू 28 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और एक मैंने किया आप लोगों के लिए, ये ए पार्ट था आपका 2 का, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, 3L इक्वल टू 42। अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाइड में है तो यहाँ डिवाइड में, तो 3L इक्वल टू 42, तो L की वैल्यू कैसे निकालोगे, नीचे ले जाओ इसको, 3 की टेबल पे कैंसिल करो, 3 वन 3 3 4 12, तो आपका क्या आ गया 14, क्या आ गया आपका आंसर 14, 3 था 42 होता ही है पता है ना, तो 14 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एक साइड माइनस में तो दूसरी साइड प्लस में, एक साइड प्लस में दूसरी साइड माइनस में, एक साइड डिवाइड में तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में, एक साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड डिवाइड में, तो इस तरह से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और कर देती हूँ, जी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ए बाय 5 इक्वल टू 7 बाय 15, यह आपका सेकंड क्वेश्चन का जी पार्ट है, तो ए की वैल्यू निकालनी क्योंकि ए यहां पर मेरा वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगी 7 बाय 15 ये 5 डिवाइड में, तो यहां कहां लेके जाऊंगी मल्टीप्लाई में, तो 5 अंदर 5 5 इज द 15, तो 7 बाय 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ ए। तो मैंने आप लोगों को 4.1 कंप्लीट बता दिया, ठीक है, और 4.2 के आप सेकेंड क्वेश्चन तक तो बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो सेकेंड 4.2 के सेकेंड क्वेश्चन तक करके सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।